सो हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार नया एक और वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों आपकी वीडियो आपने कितना अच्छा एडिट किया है, कितना अच्छा आपने वीडियो शूट किया है, आपके वीडियो के अंदर जो वॉइस है कितना अच्छा आपने वॉइस रिकॉर्ड किया है, और आपके जो वीडियो है वीडियो की जो थंबनेल है आपने कितना अच्छा थंबनेल सेट किया है। उसके बावजूद दोस्तों अगर आपका वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहा है तो दोस्तों रीज़न ये है कि आपका वीडियो जो आपने अपलोड किया है इस वीडियो के जो SEO है SEO आपने सही से सेट नहीं किया है, और इसी के कारण दोस्तों आपका वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहा है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर एक्सप्लेन करने वाला हूं कि एक वीडियो के अंदर SEO कैसे सेट करना है, और उसके बाद दोस्तों अगर आप सही तरीके से SEO सेट कर लेते हो तो आपका वीडियो पर ज़्यादातर चांसेस है कि व्यूज़ आ सकता है। सो दोस्तों चलिए लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। सो दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज मैंने एक चैनल चेक किया है, लगभग 600 वीडियो अपलोड कर रखा है, उसके बावजूद दोस्तों वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब थोड़ा बहुत वीडियो अपलोड नहीं किया है। क्वांटिटी जो है 600 वीडियो अपलोड कर रखा है, उसके बावजूद वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहा है। और दोस्तों लगभग इस चैनल की एज जो है 2 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस चैनल के ऊपर कितना मेहनत किया है, उसके बावजूद वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर आप उसी की तरह काम करते हो ना, तो आप 2 साल क्या है 3 साल आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर सकते हो, लेकिन आपका वीडियो पर व्यूज़ नहीं आता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि आपका जो वीडियो है, जो वीडियो आपने अपलोड करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर जो SEO होता है SEO आपको सही से सेट करना होता है। सो दोस्तों एक वीडियो अपलोड करते समय लगभग 10 टैग सेट करना होता है, और जो टैग आप सेट करते हो इस टैग की सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए और कंपटीशन लो होना चाहिए, और ओवरऑल जो है ग्रेट होना चाहिए या फेयर होना चाहिए। और दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखता है कि बैड दिखा रहा है तो ये जो टैग है ये आपका वीडियो पर आप सेट नहीं करना चाहिए, और जिस टैग की सर्च वॉल्यूम लो होता है और कंपटीशन ज़्यादा होता है ये टैग आपको बिल्कुल सेट नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों इस तरह टैग आप कैसे सेट कर सकते हो आपके वीडियो के अंदर, इस वीडियो में लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन। सो दोस्तों यूट्यूब वीडियो सही से SEO सेट करने के लिए आपको 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, इसलिए दोस्तों आपको आना होगा प्ले स्टोर एप्लीकेशन के अंदर, और दोस्तों यहाँ पर आने के बाद सिंपली सर्च बार में टाइप करना है VidIQ। दोस्तों ये जो VidIQ है इस एप्लीकेशन की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये डाउनलोड करना है सिंपली, इसके बाद सिंपली ओपन करना है। दोस्तों ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए YouTube सर्टिफाइड, यानी कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है मैंने तो ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो आपको सबसे पहले लॉगिन करना होता है। दोस्तों लॉगिन वही ईमेल आईडी से करना है जो ईमेल आईडी के थ्रू आपका चैनल ओपन किया है, उसी ईमेल आईडी के थ्रू और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना है। इसके बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन जब ओपन होता है तो कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे देखिए कुछ ऑप्शंस दिया गया है, जैसे कि डैशबोर्ड, डेली आइडियाज़ और रिचार्ज। तो सिंपली आपको करना क्या है कि रिचार्ज जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर टैग सर्च करने का जो जगह है, तो चलिए मैं यहाँ पर ये जो एक टैग है तो मैं यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों एक टैग जो आपका टॉपिक है, टॉपिक के हिसाब से एक टैग यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ हाउ टू ग्रो ऑन YouTube, हाउ टू ग्रो ऑन YouTube। इसके बाद सिंपली सर्च करना है, तो नीचे यहाँ पर देखिए सर्च ऑप्शन है, सर्च करना है। दोस्तों जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जैसे कि फर्स्ट जो है ओवरऑल देखिए यहाँ पर 100 में से 52, यानी कि ये बिल्कुल सही है, और जो यहाँ पर देखिए जो वॉल्यूम है, तो ये तीनों चीज़ मैं आपको अच्छा से समझा देता हूँ कि ये तीनों चीज़ क्या होता है। तो वॉल्यूम जो है यहाँ पर देखिए 64% वॉल्यूम है, और जो कॉम्पिटिशन है यहाँ पर देखिए मीडियम है। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि वॉल्यूम जो है ज़्यादा है और कंपटीशन जो है मीडियम है, यानी कि मीडियम तो आप समझ रहे हो। तो ये जो टैग है आपके वीडियो के अंदर आप सेट कर सकते हो, यानी कि वॉल्यूम ये होता है कि वॉल्यूम ज़्यादा
वॉल्यूम की जो परसेंटेज है यहाँ पर देखिए 64 है, यानी कि 64% 100 में से 64% इस टैग को सर्च कर रहा है। और जो कंपटीशन है यानी कि इस टैग के अंदर कितना वीडियोस यूट्यूब पर ऑलरेडी है, तो यहाँ पर देखिए मीडियम है, यानी कि ये टैग आप सेट कर सकते हो। दोस्तों अगर ऐसा टैग होता है ना कि टैग सर्च करने के बाद अगर देखता है कि वॉल्यूम कम है और कंपटीशन जो है वो ज़्यादा है, तो ये टैग आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ओवरव्यू और राइट साइड पर देखिए रिलेटेड कीवर्ड, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिलेटेड कीवर्ड जो है, यहाँ पर वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं कि कितना ये जो टैग है, ये टैग कितने लोग सर्च कर रहा है, कितना परसेंटेज सर्च कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब 2020 39% लोग सर्च कर रहा है। यहाँ पर देखिए हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब फास्ट 43% 100 में से सर्च कर रहा है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो टैग है अगर आपका वीडियो पर आप लगाना चाहते हो, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बॉक्स है, चेक मार्क लगाना है, और इसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए कॉपी है, सिंपली कॉपी करना है। तो चलिए दोस्तों लाइक ये जो टैग है लाइक बिल्कुल सही है, तो चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो दोस्तों जब कॉपी करेंगे तो उसके बाद दोस्तों आपको जाना है जो वीडियो आपने अपलोड कर रहा है उसी वीडियो के अंदर जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो टैग है टैग लिस्ट के अंदर दोस्तों ये आपको पेस्ट कर देना है। तो चलिए मैं पेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने ये तीनों टैग जो है यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो दोस्तों यह सिंपली टैग पर अगर आप टैग लिस्ट पर अगर आप टैग यहाँ पर सेट करते हो तो आपका वीडियो शायद रैंक नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों जो टैग आपने यहाँ पर टैग लिस्ट पर पेस्ट किया है वही टैग आपको करना क्या है कि वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन पर जाके पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने तीन टैग यहाँ पर पेस्ट किया है। तो दोस्तों अब बात आती है कि और एक एप्लीकेशन क्या है, तो चलिए उसी एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको आना है होम पेज पर, और होम पेज आने के बाद सिंपली प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है ट्यूबाडी। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ ट्यूबाडी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ट्यूबाडी एप्लीकेशन जो है इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह ओपन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैंने तो पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो सिंपली यहाँ पर ओपन ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों ये जो ट्यूबाडी एप्लीकेशन है इसमें काफ़ी नेटवर्क लगता है, तो इसलिए दोस्तों आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो कुछ सेकंड आपको वेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोडिंग हो रहा है। तो दोस्तों सेम इसी तरह, मतलब जैसा आपने बिड आईक्यू में लॉगिन किया है सेम इसी तरह ये एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करना होता है। तो इसके बाद दोस्तों मतलब लॉगिन करने के बाद आपका जो चैनल है चैनल के अंदर जो भी वीडियो है यहाँ पर शो होता है, तो कोई भी एक वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे टाइटल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह इंटरफेस आपको दिखाई देता है। तो नीचे यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है सिंपली, ये जो ऑप्शन है सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो वीडियो आपने क्लिक किया है जिस वीडियो के ऊपर इस वीडियो की टैग यहाँ पर शो होता है। तो नीचे यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है एक्सप्लोर, तो सिंपली एक्सप्लोर पर क्लिक करना है। दोस्तों एक्सप्लोर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए टैग है, तो टैग पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टैग सर्च करने की जगह आ गया है। तो सिंपली यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, और इसके बाद 2022 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों सिंपली सर्च करना है। तो दोस्तों सर्च करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर देखिए रेड कलर अभी तक नहीं है, तो चलिए मैं एक चेंज कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हाईलाइट होता है, तो ये हाईलाइट नहीं हुआ है इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर चेंज किया है। तो यहाँ पर कॉर्नर पर आप देख सकते हैं ये सर्च हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ सेकेंड आपको वेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉम्पिटिशन जो है यानी कि कॉम्पिटिशन जो है हाईलाइट हुआ है, और यहाँ पर सर्च वॉल्यूम जो है अभी भी हाईलाइट नहीं हुआ है। तो चलिए मैं और एक चेंज कर लेता हूँ। दोस्तों जब हाईलाइट होता है ना तो अब तो आपको पता चलता है, तो ये भी आप देख सकते हैं हाईलाइट नहीं हो रहा है, शायद नेटवर्क की वजह से हाईलाइट नहीं हो रहा है।
तो दोस्तों यहाँ पर लगभग देखिए यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो काफ़ी टाइम लग रहा है। यहाँ पर दोस्तों देखिए सार्स वॉल्यूम जो है वेरी हाई, यानी कि 100% सार्स कर रहा है, 100 में से 100 लोग सार्स कर रहे हैं। ये जो टैग है हाउ टू स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल, और यहाँ पर कॉम्पिटिशन जो है 69% है और ओवरऑल जो है यहाँ पर 58 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड है, और कॉम्पिटिशन जो है एवरेज यहाँ पर बताया जा रहा है, और सार्स वॉल्यूम जो है बिल्कुल हाई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखना है कि इस जो टैग मतलब सार्स वॉल्यूम हाई होता है वही आपको सेट करना है, और कंपटीशन लो होना चाहिए, और ओवरऑल ग्रेट या गुड या फेयर होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए मैं एक ऐसा टैग यहाँ पर सार्स करता हूँ, यहाँ पर देखिए हाउ टू गेट व्यूज ऑन यूट्यूब, तो चलिए मैं वही सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हाईलाइट हुआ है कि यहाँ पर सार्स वॉल्यूम 67% है, एवरेज 63 है, और जो ओवरऑल जो है ये फेयर है, यानी कि ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये ओवरऑल जो है यहाँ पर बैड होता है ना, तो ये आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों अगर लाइक ये आपको पसंद आया है और ये टैग आपको सेट करना है, तो सिंपली ये जो टैग है टैग के ऊपर लॉन्ग फ्रेश करना है, और इसके बाद दोस्तों सिलेक्ट वॉल करना है, इसके बाद कॉपी करना है, इसके बाद दोस्तों जाना है कि आप जो वीडियो अपलोड में पड़ा हुआ है सिंपली यहाँ पर जाना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग फ्रेश करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लॉन्ग फ्रेश कर लेता हूँ, दोस्तों यहाँ पर टैग लिस्ट जो है यहाँ पर लॉन्ग फ्रेश करना है, पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आ चुका है। तो दोस्तों इसी तरह डिस्क्रिप्शन और टैग लिस्ट में ये टैग ऐड करना है, और उसके बाद दोस्तों एक अच्छा टाइटल टॉपिक के हिसाब से लिख देना है। तो दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हो कि आपका जो वीडियो है बिल्कुल रैंक करता है, क्योंकि दोस्तों इसी के हिसाब से वीडियो रैंक करता है और नहीं भी करता है। अगर दोस्तों आपका मनमानी से आप कोई भी टैग सेट करते हो तो आपका वीडियो बिल्कुल रैंक नहीं करता है। तो इसलिए दोस्तों ये दोनों एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, ये दोनों एप्लीकेशन की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड करना है। इसके बाद दोस्तों टैग्स रिचार्ज करके वीडियो के अंदर टैग सेट करना है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, चैनल में नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना।